भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बुरे वक्त शुरू हो चुका है। सोमवार को सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दूसरे दिन मंगलवार को उसे दोहरी मार पड़ी है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को उसे निलंबित कर दिया है। इस बीच मंगलवार को उसके साथ एक और अप्रिय घटना घटी। उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तभी भरी अदालत में जनता ने चाटों से उसका अभिनंदन किया। भीड़ ने उस पर खूब चाटे बरसाए। जूनियर डॉक्टरों ने पहले भी संदीप को निलंबित करने की मांग की थी। उस समय राज्य सरकार के विपक्षी दलों की ऐसी मांगों पर ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद दबाव में आकर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। संदीप घोष को राज्य चिकित्सा परिषद से निष्कासित कर दिया गया है। मेडिकल काउंसिलिंग पैनल और एथिक्स कमेटियों ने इसे हटा दिया है। स्वास्थ्य भवन से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह कदम संदीप के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच के मद्देनजर उठाया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आरजीकर वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में सोमवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में युवा डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। पूरा राज्य गुस्से में उबल रहा है। इस बार संदीप घोष को एक प्रदर्शनकारी ने कोर्ट परिसर में थप्पड़ जड़ दिया। मंगलवार दोपहर को सीबीआई संदीप घोष को निजाम पैलेस से कोर्ट लेकर आई। उस वक्त कोर्ट परिसर में तनाव की स्थिति मची हुई थी। संदीप घोष को फांसी देने की मांग में शामिल हो गए। संदीप की कार को धक्का दिया गया। इसके बाद अदालत ने संदीप को 8 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट परिसर के आसपास चोर चोर का नारा लगाया गया। हंगामों के बीच प्रदर्शनकारियों में से एक ने पीछे से संदीप के सिर पर तमाचा जड़ दिया। हालांकि पुलिस और केंद्रीय बलों ने तुरंत स्थिति को अपने काबू किया। सीबीआई अधिकारी भारी घेराबंदी के बीच संदीप को कार में ले गए। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।